तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनएम एक्सप्लेनेशन में। और आज हम करने वाले हैं नरूटो के एपिसोड 175 का एक्सप्लेनेशन। तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में शिजुने बोलती है कि ये इतने सारे बिल है जो आपको चुकाने हैं। तो लेडी जुनाटे बोलती है, ये क्या इतने सारे बिल, मैं तो लेडी जुनाटे थी और मैं क्या बन गई, मैं नॉर्मल लेडी से होकागे बन गई और ये सब हो गया। और यहाँ पर नरूटो चिल्ला रहा होता है, मुझे ऊपर जाने दो, मुझे नॉर्मल मिशन नहीं चाहिए, मुझे बड़े मिशन चाहिए वरना मैं सास्के को बचाने चले जाऊँगा, मुझे छोड़ो, ग्रैंड माँ मेरी बात सुनो। और यहाँ पर लेडी जुनाटे बोलती है, साथ ही साथ ये भी है मेरे सर के ऊपर। और यहाँ पर नरूटो बोर होकर फुटबॉल खेल रहा होता है और वो अपनी क्लोन की मदद से ही खुद के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है। और वो देखता है कि इसमें कोई मजा ही नहीं, मैं खुद से ही खुद को हरा रहा हूँ। और यहाँ पर वो लेडी आता है और वो बोलता है कि यहाँ पर थोड़ा आराम कर लेता हूँ और इसमें ही मुझे मजा आएगा। तो तभी वहाँ पर कीबा और अकामारू आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि हे नरूटो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि तुम यहाँ पर आराम कर रहे हो, शिनो भी नहीं है जिसके साथ मैं मिशन पर जाऊँ, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया तुम्हारे साथ और मैं चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ आराम करूँ। और यहाँ पर कीबा भी लेडी आता है और वो बोलता है कि अब तो कोई मिशन है ही नहीं, हिनाता भी चले गई। और तभी वहाँ पर हिनाता आती है, वो बोलती है कि मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई है और हमारे को लेडी जुनाटे ने बुलाया है एक मिशन देने के लिए। तो नरूटो यहाँ पर बहुत खुश हो जाता है, क्या एक मिशन, इसमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं मिशन के लिए। तो यहाँ पर लेडी जुनाटे बोलती है कि मैं तुम्हें एक मिशन देने वाली हूँ और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिशन होने वाला है तुम लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो खजाने वाले आदमी है इनको, ये ट्रेजर हंटर है और तुम्हें इनके साथ खजाना ढूंढना है। ये देखो ये मैप है, ये मैप तुम्हें दे देंगे और तुम तीनों को मिलकर खजाना ढूंढना, और ये खजाना 3 मिलियन जेनिस का भी हो सकता है। तो नरूटो बोलते हैं क्या 3 मिलियन जेनिस, इतने में तो मैं, नरूटो बोलता है कि इतने में तो मैं अंकल के इतने सारे नूडल्स खा लूंगा और इतने सारे नूडल्स खा लूंगा। तो वो बोलते हैं ये खजाना तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर जो आदमी रहता है वो बोलते हैं कि हम लोग बहुत ढूंढने की कोशिश करें पर हम नहीं ढूंढ पाए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं निंजा हायर कर लेता हूँ और तुम तीनों को मिलकर ये खजाना ढूंढना होगा और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो सकती है तुम तीनों को खजाना ढूंढने में। तो कीबा बोलते हैं ये तो मैं आसानी से ढूंढ लूंगा। तो यहाँ पर लेडी जुनाटे बोलती है कि मैं तुम तीनों को यहाँ पर इसीलिए बुलाई हूँ और मैं तुम तीनों को वॉर्न कर देती हूँ, तुम तीनों को खजाना ढूंढना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि तुम तीनों जब हर बार मिशन पर जाते हो तो तुम्हारा हर बार मिशन फेल ही होता है। अगर तुम इस बार भी मिशन फेल हो गए तो मैं तुम्हें बच्चे लोग के साथ स्कूल में वापस से डाल दूंगी। तो यहाँ पर वो लोग बोलते क्या, तो वो बोलते हैं कि तुम लोग का रिकॉर्ड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जब तीनों एक साथ जाते हो मिशन पे तो तुम तीनों हार जाते हो, यहाँ पर वो लोग शेरिफ वाले मिशन पे भी हार गए थे। तो वो लोग बोलते हैं ये सब नरूटो की वजह से हुआ है। कीबा बोलते हैं कि आप हमें क्यों डाल रहे हो, ये सब तो नरूटो की वजह से होता है। तो लेडी जुनाटे बोलती है मुझे कुछ नहीं पता, अगर तुम लोग ये मिशन भी हार गए तो मैं तुम्हें बच्चे लोग के साथ डाल दूंगी। तो यहाँ पर नरूटो और बाकी सब इमेजिन कर रहे होते हैं कि हम बच्चे लोग के साथ वापस से स्कूल पढ़ेंगे। और यहाँ पर वो लोग सोच रहे थे इनको पढ़ना है बच्चे लोग के साथ स्कूल। और तभी वहाँ पर इनुका सेंसे आते हैं, वो बोलते हैं है कैसे हो, तुम कभी भी आ सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर तीनों भाग जाते हैं और वो बोलते हैं कि हमें चाहे कुछ भी हो जाए हमें ये मिशन कंप्लीट करके ग्रैंड माँ को दिखाना होगा। और यहाँ पर नरूटो बोलते चाहे कुछ भी हो जाए मैं ग्रैंड माँ को दिखा दूंगा कि ये मिशन मैं कंप्लीट कर सकता हूँ और हम खजाना ढूंढेंगे, हम वापस से नहीं जाएंगे बच्चे लोग के साथ। और यहाँ पर हिनाता देखती है और वो बोलते हैं कि ये दोनों तो बहुत ज़्यादा जोशीले लग रहे हैं। तो यहाँ पर कीबा मैप खोलता है और वो मैप देखकर बोलते हैं कि हमें उस तरफ जाना होगा, मैप के मुताबिक तो हमें उस तरफ जाना है। तो तभी यहाँ पर नरूटो बोलते हैं लाओ मुझे मैप दिखाओ, मैप के मुताबिक हमें यहाँ पर नहीं जाना होगा, हम मैप के मुताबिक नहीं जाएंगे, हम शॉर्टकट लेंगे। तुम्हें तो शॉर्टकट लेने भी नहीं आता है कीबा, और वो बोलते हैं कि मैं उस तरफ जाऊँगा। तो कीबा बोलते हैं कि चलो देख लेते हैं कौन सबसे पहला पहुँचता है। तो तभी नरूटो यहाँ पर शॉर्टकट ले रहा होता है और हिनाता बोलती है मैं भी तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। और हिनाता और नरूटो शॉर्टकट लेकर जा रहे होते हैं और यहाँ पर वो लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती है, वो नरूटो तो एक बार पानी में भी गिर जाता है। और यहाँ पर मुश्किलें पार करते करते वो लोग पहुँच जाते हैं बड़े पत्थर के पास जहाँ पर कीबा बुलाता है। तो यहाँ पर नरूटो पहुँचता है और वो बोलते हैं कि क्या कीबा तो यहाँ पर है ही नहीं, मैं लगता जीत गया। और तभी यहाँ पर उसको खाने की खुशबू आती है और वो पत्थर की उस तरफ देखता है। तो कीबा बोलते हैं तुम लोग इतना लेट आए तो मैंने खाना भी पका दिया। और यहाँ पर वो लोग वापिस से एक बार मैप आता है और यहाँ पर वो लोग मैप पढ़ते हैं। तो नरूटो बोलते हैं कि मैं तो ऊपर से ही चढ़ के जाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए,
तो कीबा बोलते हैं तो ठीक है तुम अपना शॉर्टकट लेके जाओ, मैं अपने दूसरे रास्ते से जाऊंगा। और यहाँ पर वो लोग शॉर्टकट लेकर जा रहे होते हैं और यहाँ पर वापस से कीबा जीत जाता है। और यहाँ पर जो वापस से कीबा एक और एक शॉर्टकट लेते हैं और यहाँ पर कीबा वापस से जीत जाता है। और यहाँ पर ये बार वो लोग साथ में जा रहे होते हैं और तभी यहाँ पर हिनाता को कुछ गड़बड़ लगती है। जब वो अपनी ब्याकोगन की मदद से आगे का रास्ता देखने की करती है तो उसे कोई लगता है देख रहा है और यहाँ पर नरुटो और बाकी सबको कोई देख रहा होता है। तो तभी यहाँ पर नरुटो और कीबा लड़ रहे होते हैं कि ये रास्ता सही है, ये रास्ता सही है। और तभी यहाँ पर जो तीन लोग छुपे रहते हैं वो बोलते हैं कि यही मौका है। तो यहाँ पर जो ग्रैंडमा रहती है वो बोलती है कि चलो देख लेते हैं कि ये मिशन वो लोग कंप्लीट करते हैं कि नहीं। तो तभी नरुटो बोलते हैं कि मुझे तो लगता है कि केव के अंदर ही खजाना है। तो कीबा बोलते हैं कि नहीं, केव के अंदर खजाना ही नहीं है। और तभी यहाँ पर नरुटो और हिनाता भाग जाते हैं गुफा के अंदर और वो लोग अंदर जा रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर जो दो निंजा रहते हैं वो बोलते हैं कि यही मौका है, हमें अटैक करना होगा। और तभी वो लोग कुनाइफ से एक पत्थर के ऊपर हमला कर देते हैं और जिसकी मदद से वहाँ पर जो चट्टाने रहती है वो गिरना शुरू कर देती है। तो चट्टाने गिरना शुरू कर देती है और कीबा भागते हुए आता है और कीबा वो लोगों को बचा लेता है। और यहाँ पर बहुत सारा धुआं धुआं हो जाता है गुफा के बाहर और वो लोग को लगता है कि वो लोग हार चुके हैं। पर यहाँ पर जो कीबा रहता है वो नरुटो और हिनाता को बचा लेता है। नरुटो बोलते लगता कोई ने हम पर हमला किया है। तो कीबा बोलते हैं नहीं, अकामारू ने सुंगा था, कोई भी नहीं है यहाँ पर, हमारे अलावा कोई भी नहीं है। और यहाँ पर हिनाता के जो पैर रहते हैं उसके ऊपर चोट लग जाती है और यहाँ पर वो बोलते हैं कि चलो हिनाता हम तुम्हारे पैर पे मनम पट्टी कर देगी और सब ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर नरुडो बोलते हैं कि तुम यहाँ पर रुक जाओ हिनाता, हम लोग जाएंगे और खजाना लेकर आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो कीबा बोलते हैं हम लोग नहीं, सिर्फ अकेला मैं ही जाऊँगा और अकेला मैं जाके खजाना लेके आऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे केजी में नहीं जाना है, मुझे बच्चे लोग के साथ नहीं पढ़ना है और मुझे पता है मेरी नाक कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है और तुम तो मैं पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, तो इसीलिए मैं जा रहा हूँ। और ये बोलकर अकामारू और कीबा चले जाते हैं खजाना ढूंढने के लिए। और यहाँ पर जो तीन लोग छुप कर देख रहे होते हैं वो बोलते हैं यही मौका है, हमें हमला करना होगा। और वो अचानक से आते हैं और नरुटो के ऊपर स्मोक बॉम्ब का हमला कर देते हैं। तो नरुटो को वो लोग पकड़ लेते हैं और नरुटो यहाँ पर अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि दो लोग और रहते हैं, यानी दो हिनाता रहते हैं जिसको वो पकड़ के रखते हैं। यहाँ पर बोलती है मैं असली हूँ और मैं असली हूँ। तो नरुटो बोलते हैं क्या तुम्हारी कोई जुड़वा बहन है? तो हिनाता बोलती है नहीं, ये एक क्लोन है, ये हमारी दुश्मन है। तो नरुटो बोलते हैं अब मैं कैसे पता लगाऊँ, मेरे पास अकामारू की नाक भी नहीं है कि जिससे मैं पता लगा पाऊँ, मुझे कुछ सोचना होगा। तो वो बोलते हैं तुम लोग मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, हिनाता का डैड का नाम क्या है? तो वो लोग बोलते हैं युगा। तो यहाँ पर नरुटो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि इन दोनों तो सच बोल रहे हैं। और मुझे तभी वहाँ पर वो आदमी आता है जो ट्रेजर हंटर रहता है, जो नरुटो को मिशन देता है। वो बोलता है कि मुझे तो कुछ खजाने का मिशन नहीं था, मुझे तो बस तुम लोगों का फेस चाहिए था, तुम लोगों का फेस ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा खजाना है और इसीलिए मैं यहाँ पर आया था। और तभी यहाँ पर वो बोलता है कि देखो मिलो मेरे नकली नरुटो से। और वो नरुटो बोलता है कि हे तुम कैसे हो? और यहाँ पर नकली नरुटो और नकली हिनाता रहते हैं और नरुटो देख कर बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पर वो बोलता है कि मुझे एक और एक फेस भी चाहिए। और यहाँ पर कीबा जा रहा होता है और यहाँ पर कीबा एक गुफा के अंदर आ जाता है और वो बोलता है कि खजाना यहीं पर ही होना चाहिए। और तभी यहाँ पर वो अंदर जाते रहता है, सूंघता है और उसे लगता है कि खजाना इधर ही है। तो वो दोनों मिलकर फेंक ओवर फेंक कर देते हैं और उस जगह पर बड़ा खड्डा कर देते हैं। तो तभी यहाँ पर कीबा को एक ब्रीफकेस मिल जाता है, यानी लकड़े का, और उसमें खजाना रहता है। तभी वहाँ पर नरुटो और हिनाता आवाज देते हुए आते हैं, कीबा तुम्हें खजाना मिल गया, हम आ चुके हैं, चलो हमारे साथ। तो यहाँ पर कीबा बोलता है कि मैंने तुम लोगों को मना किया था हिनाता, तुम्हारे पैर की चोट कैसी है? तो हिनाता बोलती है अभी तो फिलहाल मेरे पैर की चोट बहुत ही ज्यादा अच्छी हो चुकी है। तो तभी यहाँ पर कीबा सोचते हैं कि नरुटो तो यहाँ पर कभी नहीं आ सकता है क्योंकि वो लोग के पास मैप नहीं है, तो आखिर वो लोग आए कैसा? और यहाँ पर वो बोलते हैं कि अकामारू को भी उन लोगों के ऊपर डाउट जा रहा है कि वो असली है कि नहीं। तो यहाँ पर वो लोग को बोलता है कि तुम लोग कोई नकली हो, बताओ तुम कौन हो? और तभी यहाँ पर हिनाता और नरुटो जो रहते हैं वो कीबा के ऊपर हमला कर देते हैं। तो तभी यहाँ पर वो ट्रेजर हंटर आता है और वो बोलते हैं कि देख लो मैंने तुम्हारे दोस्त को भी पकड़ लिया हूँ और तुम्हारे दोस्त का जो अकामारू था उसने भी कुछ नहीं सुन पाया। और तभी यहाँ पर जो तीसरा आदमी रहता है वो जो कीबा रहता है उसके भी फेस का रूप ले लेता है और वो बोलता है कि इसका फेस बनते बनते थोड़ा टाइम लगेगा। और वो बोलते हैं कि हमें तो बस तुम लोगों का फेस चाहिए था और कुछ नहीं। तो यहाँ पर नरुटो बोलते हैं कि हे तुम ये सब क्या कर रहे हो कीबा के साथ? तो वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे कीबा का फेस ले लूंगा। और तभी यहाँ पर कीबा को होश आ जाता है तो वो बोलते हैं कि हमारे क्लोन ऐसे रहते हैं कि नहीं तो उनको कोई डॉग्स
सुन पाता है ना ही कोई भी। और हमें कुछ ने बताया था, हम लोगों के क्लैन के अंदर यही होता है कि हम लोग फेस किसी का भी चोरी कर सकते हैं। अब हम लोग तुम्हारे फेस की मदद से विलेज के अंदर जाएंगे और ऐसी ऐसी जगह पर हमला करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट है और हमें कोई ने बता चुका है। तो नरूडो बोलते क्या तुम्हें ओरोचिमारू ने बताया है? तो वो बोलते हैं कि नहीं, ओरोचिमारू नहीं है, कोई और है जिसने हमें बताया है और हम लोग जा रहे हैं। तो तभी अपन नरूडो बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, देखते रहो। आदमी लोग ऐसे क्लैन के रहते हैं कि वो अपना रूप चेंज कर देते हैं किसी में भी और उनकी याददाश्त और सभी ले सकते हैं। तो आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।